हे गाइज, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा और कलर ग्रेडिंग भी करना सिखाऊंगा। एक ही फोटो से गाइज डबल फोटो कैसे बना सकते हो, देखो। तो गाइज, मैंने बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज कर दिया है, इसी तरह से आपको भी करना बताऊंगा चेंज। तो बैकग्राउंड भी चेंज करना बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा फुल डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर नए होंगे चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि हम आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पर, सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइज इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा ऊपर में। तो यहाँ से गाइज आपके गैलरी के फाइल फोल्डर खुल जाएंगे, तो यहाँ से आप अपना इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज, जैसा कि हमारा ये इमेज था, ये फोटो था हमारा, सिंपली आपको इस फोटो को एडिट करना है। टूल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड सबसे पहले इसकी हम फेस को गोरा करेंगे। तो ट्यून इमेज पर क्लिक करिएगा, यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे, यहाँ सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करेंगे एंड यहाँ से एम्बियंस को हल्का सा बढ़ा लेंगे। तो एम्बियंस को भी हल्का बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ से गाइज नीचे में आएंगे, हाईलाइट को बढ़ा देंगे, शैडो को भी बढ़ा देंगे एंड यहाँ से कर देंगे डन। सो कर लीजिएगा यहाँ से डन। तो डन करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो में क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी आने के लिए सिंपली टूल पर क्लिक करना होगा, यहाँ से डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ से गाइज थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बढ़ा देना होगा, इससे हमारा क्लैरिटी आ जाएगी फोटो में, यहाँ से कर देना होगा डन। सो फाइनली हमारा इतना कम्प्लीट हो चुका है। फिर से हम गाइज टूल ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से सिलेक्टिव ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि हमें फेस को हल्का सा और गोरा करना है। फेस को करने के लिए सिलेक्टिव ऑप्शन पे जाना होगा एंड फिर इस तरह से बॉडी को जूम करना होगा एंड जहाँ जहाँ आपके फेस में ब्लैक दिख रहे होंगे गाइज, जैसे मैं यहाँ पे एंड बहुत सारा ब्लैक दिख रहे होंगे, जैसे इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक करके गाइज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद यहाँ पर टाइप करना होगा जहाँ पर आपका फेस ब्लैक होगा एंड इस तरह से साइज को छोटा करके जितना दूर में आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा, फेस को बड़ा करना होगा, इस तरह से बढ़ा लीजिएगा एंड जहाँ जहाँ आपको करना होगा इस तरह से गाइज प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके गाइज आपको इस तरह से टाइप करके आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा। तो जिस तरह से हम ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हैं, सो गाइस इस तरह से आपको फेस को पहले गोरा कर लेना होगा। तो चलिए हम फेस को गोरा इस तरह से कर लेते हैं। सो फाइनली हमने कर दिया है। इतना करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से गाइस फोटो में क्लैरिटी आ चुका है एंड फेस भी गोरा हो चुका है। सो फाइनली हम गाइस बैकग्राउंड का कलर, सॉरी गाइस बैकग्राउंड चेंज करेंगे। टूल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस एक फोटो चूज करेंगे। तो ये वाला हमारा बैकग्राउंड वाला फोटो है, तो इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा एंड यहाँ से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट को फुल कर देंगे। फुल करने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। तो इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से कर दीजिएगा डन। सो गाइस देखिए, तो हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है और अच्छे से सेट नहीं हुआ है गाइस। तो इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे। व्यू एडिट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके गाइस यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट करेंगे। तो ब्रश पे क्लिक कीजिएगा, ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा, ब्रश पे क्लिक करना होगा एंड देख सकते हो गाइस हमें बैकग्राउंड में रजिस्टर करना है सिंपली। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना हो, नीचे में आपको एक तीर का आइकन दिख रहा होगा ऊपर की ओर, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस आपको 100 कर लेना होगा। 100 करने के बाद यहाँ से होगा इस तरह से आपको बैकग्राउंड में रजिस्टर करना होगा अपने बैकग्राउंड को जो भी लगाया है, इस तरह से गाइस आपको रजिस्टर कर लेना होगा जूम करके। तो इस तरह से गाइस अच्छे से रजिस्टर कर लीजिएगा। चलिए हम इस तरह से फास्ट कर लेते हैं रजिस्टर और गाइस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, एच डी क्वालिटी में आपका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव होगा। तो इस तरह से आपको भी कर लेना होगा एंड जिस तरह से गाइस मैंने बैकग्राउंड में, सॉरी गाइस आगे का पार्ट मैंने जिस तरह से इरेज किया उसी तरह से आपको भी करना होगा। तो यहाँ से एक बार डन करने के बाद यहाँ से बैक जाएंगे, तो बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बैक जाने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा फोटो इतना एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, बैकग्राउंड लग चुका है। सिंपली आपको टूल ऑप्शन पर जाना होगा एंड यहाँ से पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा फेस एंड बॉडी बैकग्राउंड से मैच करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस इस तरह से स्किन स्मूथिंग को बढ़ा देना होगा, हाई क्लैरिटी को भी बढ़ा देना होगा एंड यहाँ से गाइस इस तरह से करने के बाद यहाँ से कर देना होगा टर्न। सो देख सकते हो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है एंड फेस भी गोरा हो चुका है। सो यहाँ पे करेंगे टर्न। टर्न करने के बाद देख सकते हो गाइस बहुत ज़्यादा फेस हमारा गोरा हो चुका है। सिंपली आपको टूल ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ से बिगनर टूल ऑप्शन पे जाना होगा एंड यहाँ से गाइस एक बिंदु आएगा, उस बिंदु को पकड़ना होगा एंड जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर सेट करके इस तरह से छोड़ दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा डार्क आएगा ब्लैक। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ से कर देना होगा टर्न। सो कर देते हैं डन। डन करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा इतना एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है इस ऐप में। तो सिंपली हम इस फोटो ऑप्शन पे क्लिक करके गए यहाँ से शेयर पे क्लिक कर देंगे एंड इसको पिक्सआर्ट में शेयर कर देंगे, क्योंकि गाइस वहाँ पे हम एक दो पीएनजी को ऐड करने वाले हैं। तो शेयर करते हैं पिक्सआर्ट में। तो पिक्सआर्ट में आने के बाद गाइस स्टिकर ऑप्शन पे जाएंगे। स्टिकर ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे ऊपर में सर्च बार पे क्लिक करना होगा आपको। तो सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा ग्रास पीएनजी, ये ग्रास भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रास लिखिएगा तो बहुत सारा ग्रास आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से कोई भी इस तरह से ग्रास ले लेना है एंड एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन। सो देखिए तो गाइस हमारा अब अच्छा रियलिस्टिक लग रहा है फोटो। सो इतना करने के बाद फिर से गाइस आपको यहाँ पे टूल ऑप्शन पे जाना होगा। टूल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से फिर से एडजस्ट ऑप्शन पे जाना होगा। तो एडजस्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा
क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको टेम का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको टेम को हल्का सा बढ़ा देना होगा। बढ़ाने के बाद गाइस फोटो में क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, क्लैरिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस क्लैरिटी बढ़ा दीजिए, कंट्रास्ट को भी बढ़ा देना होगा एंड इतना करने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन। सो फाइनली अगर देख सकते हो गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। सो अब गाइस स्टिकर लगाएंगे, टैटू लगाएंगे। टैटू लगाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टिकर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर से आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा टैटू। तो टैटू सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा टैटू आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से कोई सा भी टैटू ले लीजिएगा एंड इस तरह से एडजस्ट करके इस तरह से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद गाइस इसकी ऑपेसिटी को हल्का कम कर देते हैं, कम करने के बाद देखो तो गाइस ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। सिंपली हम एक और स्टिकर लेते हैं एंड इसको इस तरह से सेट कर देंगे एंड इसकी ऑपेसिटी को भी कम कर देंगे। तो कम करने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइस जितना आप चाहे तो उतना स्टिकर लगा सकते हो। सो फाइनली हम गाइस बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग सिंपली आपको फोटो ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ से गाइस कलर का ऑप्शन दिखेगा नीचे में, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए गाइस कलर को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कलर पर क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस कलर रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद एक सर्कल आएगा, इस सर्कल को आपको पकड़ के बैकग्राउंड में छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड का कलर किस तरह से हो चुका है एंड इस तरह से गाइस मिक्स व्यू को फुल करना होगा। मिक्स व्यू को फुल करने के बाद गाइस यहाँ से ऊपर में एक इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी हमारा फेस में एंड बॉडी में आया होगा इफेक्ट उसको आपको इरेज कर देना होगा इरेजर पर उस पर जाकर के। तो हम कर लेते हैं फटाक से इरेज, तो इसी तरह से आपको कर देना होगा इरेज जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पार्ट पे आ गया होंगे कलर इफेक्ट, तो इसी तरह से कर देना होगा एंड। तो गाइस हम कर चुके हैं इतना, तो इतना करने के बाद यहाँ से कर देंगे एक बार डन, एक ही बार डन करना होगा। डन करने के बाद गाइस ऊपर वाले रिप्लेस व्यू को माइनस एंड प्लस कीजिएगा, तो देख तो गाइस बहुत ही अच्छे से कलर ग्रेडिंग हो रहा है हमारा फोटो। इसी तरह से आप जो भी कलर रखना चाहते होंगे वो कलर सेलेक्ट करके गाइस इस तरह से रख लीजिएगा। तो हम रेड कलर रखते हैं फाइनली, तो यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद इस फोटो को गाइस सेव करने के लिए हमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा तो हमारा गैलरी में जगह सेव होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को बहुत ही अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।